साथ आई हूँ पूरी झुमका बाली लहंगा पहन के, और मैं बहुत सुबह मतलब बहुत जब से पता चला आज के दिन ये फंक्शन है मैं बहुत एक्साइटेड थी जान के, सो जल्द से जल्द मैं यहाँ आना चाहती थी और आ गई। नहीं मैं देखिए ये प्रोग्राम मेरे बेटे का अपना संगीत का ये तो मेरे लिए खुशी की बात है ही, लेकिन जब मैंने सोमी को देखा एंट्री करते हुए तो मैं रियली बहुत एक्साइटेड हुआ हूँ, क्योंकि इनकी जो पॉपुलैरिटी है इतना बड़ा पॉपुलैरिटी चार्ट है कि आज यूथ जो है वो मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा वो लोग इसे जानते हैं, दीवाने हैं। और जब मैंने मेरे बच्चों को बताया भी था कि सोमी को मैंने इनवाइट किया है, तो मुझे था कि मुझे सोमी को इनवाइट करना एक मुझे खुशी थी, लेकिन मेरे बच्चों के अंदर जो मैंने एक्साइटमेंट देखा वो मेरे ख्याल से 100 times मोर था। तो आई एम सो हैप्पी कि शी हैज़ कम एंड माय चिल्ड्रन ऑल आई वांट देम टू मीट हर एंड फील वेरी हैप्पी। मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक एन अचीवमेंट और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये एहसान आपका मुझ पर हमेशा रहिएगा। एहसान नो एहसान कोई ऐसा एहसान, मैं तो खुद ही इतनी खुश हूँ कि मुझे इनवाइट मिला और मैं यहाँ पे आई हूँ, वेरी वेरी हैप्पी जी जी। वो सर ही बता सकते डिटेल में। अच्छा, वो सबसे अच्छा स्टोरी टेलर इंसान मैंने अपनी लाइफ में किसी को देखा है तो सर को देखा है। वो बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी समझाते हैं और बताते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था वही आप सबको बताएंगे। मैं देखिए एक वेब सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है न्याय द जस्टिस, और उसमें दो गर्ल्स हैं जिनकी कहानी है, वन इज़ अ मुस्लिम गर्ल वन इज़ अ हिंदू गर्ल, और उनकी एक जर्नी है और जर्नी में शी इज़ प्लेइंग द हिंदू गर्ल, कॉलेज से शुरू होता है, और उनकी ज़िंदगी जर्नी में क्या होता है, कैसे पहले मिलते हैं, क्या एक रिलेशनशिप है, बचपन से साथ में पढ़े हैं और कैसे फिर ज़िंदगी में अलग हो जाते हैं और दोबारा फिर कैसे मिलते हैं, और उस स्टेज पे कैसे फ्रेंड्स जिसे कहते हैं ना कि फ्रेंड फ्रेंड के काम कैसे आता है, तो वो ऐसी दो फ्रेंड्स की कहानी है जिसमें शी इज़ प्लेइंग वन ऑफ द फ्रेंड्स। हाँ, बिकॉज आई हैव डन 2 albums और यही मेरा अगर वेब सीरीज डिजिटल पे बड़ा कोई डेब्यू होगा तो सर के साथ होगा दिस वेब सीरीज, एंड आई वाज रियली रियली ब्लेस्ड कि जब मुझे पता चला मैं इसमें मुझे मौका मिल रहा है काम करने के और सर के अंडर, वो भी इतना सीखने को मिलेगा, सो आई एम रियली एक्साइटेड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड आई एम रियली होप इट विल डू ग्रेट। जी 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 प्रिपरेशन ये चल रही है कि आई एम श्योर वो सब कुछ ना कुछ मुझे सिखाएंगे ड्यूरिंग द शूट ऑल्सो, और जितना मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ उतना दूंगी, एंड बाकी सब सर पे हैं, सर मुझे कितने अच्छे से और यू नो ही इज़ द डायरेक्टर, ही विल हाउ ही विल डायरेक्ट मी हाउ विल ही विल टेक द प्रोजेक्ट फॉरवर्ड, सो या सर देख रहे हैं आप बिग बॉस 13? मैं कुछ कुछ देख लेता हूँ बीच में। अरे आई एम वॉचिंग ऑल द एपिसोड्स, इन केस इफ आई मिस एनी एपिसोड आई गो ऑन वूट एंड वॉच द रिपीट टेलीकास्ट ऑल्सो, एंड आई एम रियली रियली लाइकिंग इट, शो इज रियली डूइंग ग्रेट एंड आई रियली लाइक सिद्धार्थ सना एंड आसिम, दे ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट इन साइड द शो। थैंक यू सो मच। ठीक तो है यार ग्लैमर, और क्या चाहिए।
अभी संगीत है, अभी मैं यहाँ तक नहीं कर सकती, मैं इतना बड़ा नहीं कर सकती ऐसे. आई एम कंफर्टेबल विथ दिस. आई थिंक यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल विथ दिस ना. हाँ, एंजॉय. मेरी वेब सीरीज एक आ रही है अपनी सपना भाभी, और एक आ रही है सपना भाभी, और एक आ रही है हमारी सपना भाभी. मुझे लगता है सारे हिंदुस्तान के वेब सीरीज वालों ने ना सपना भाभी का ठेका ले रखा है. नहीं, ठेका ले रखा है. आ रही है वो, जल्दी आ रही है. और क्या कहना चाहेंगे आज की लोकेशन के बारे में? आज हमारे फेवरेट प्यारे से फैमिलियर डायरेक्टर दिलीप गुलाटी, जो करीब मैं 23-24 साल से जानती हूँ, मेरे फैमिलियर हैं, बहुत मैं उनकी फैमिली हूँ. हर शादी पे मैंने अटेंड किया है. उनके बेटे कैप्टन मतलब भारत की आज संगीत का सेरेमनी है. सो हम लोग आए हुए हैं एंजॉय करने, डांस करेंगे टकाटक लेंगे, थोड़ी देर बाद जैकेट भी उतर जाएगी, फिर तो सपना टल्ली हो जाएगी. क्या कहना चाहेंगी? मैं दूल्हा दुल्हन को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दूंगी. भगवान अल्लाह करे जोड़ी हमेशा सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे. और 2-3 साल बाद है ना, 2-4 और छोटे छोटे से हमको दे दे, जो हमको बोले आंटी आंटी. शादी नहीं, संगीत. देखो, हर कोई साड़ी सूट ढका पहन के झगमग पहन के आता है. मैं सोची कि मैं सबसे हटके आऊँ, और मैं जो हटके पैदा होती ना, वो हटके कपड़े पहनती है, चाहे वो कोई ओकेजन हो. डिजाइनर की तो नहीं, कल शादी में मैं डिजाइनर का पहन के आऊंगी. ये तो नॉर्मल, देखो जैकेट है, ये टॉप है, ये जिप वाला टॉप है, अच्छे ऐसे ऐसे जब मूड हुआ तब कर लेने का. ये जीन्स है, ये शूज है, इट्स शूज. टॉप बॉय लुक था, आ गई. तो ये चैन नीचे ऊपर होता है? अरे परफेक्ट होता है, अभी रहने दो अभी फिलहाल. अरे पता लगा यार, संगीत में झगड़े हो जाएंगे संगीत में. अरे सारे हस्बैंड मुझे देखेंगे तो उनकी बीवियां रात के उठ के देखेंगे. बहुत अच्छा लग रहा है, इतना शानदार प्रोग्राम है कि मैं क्या बताऊँ. मतलब इतना इंजॉय किया हमने यहाँ पर आके, इतना अच्छा लग रहा है. मुबारकबाद देना चाहूँगी सबको, पूरे परिवार को. सबसे बड़ी बात तो दिलीप गुलाटी जी, इतने सीनियर आदमी, मैंने आज से 20 साल से काम कर रहा हूँ उनके साथ, हिंदी किए, गुजराती किए, सब अभी हमने भोजपुरी किए, काफ़ी पिछड़े कर रहा हूँ. वो आदमी ग्रेट आदमी है. आज उसके लड़के की शादी है, आज पार्टी रखी है, कल शादी है, तो उसको तो हम लोग अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, उसको बहुत मुबारक हो, हमारा आशीर्वाद है उसके साथ. बस इनका दिलीप गुलाटी ने इतनी अच्छी पार्टी अरेंज की है, लगता है कोई हमारा प्रोड्यूसर डायरेक्टर है. आज भी है दम, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड. एक भाई भाईचारा उनमें, फैमिली है. मेरे को फ़ोन किया, आप आ रहे कि नहीं आ रहे, जल्दी आ. मैं आ रहा हूँ, मेरा शूटिंग कर रहा था, मैं पहुँच जाऊँगा. 8 बज के आया नहीं, आ रहा हूँ. तो एक फैमिली है. आजकल फैमिली नहीं रह गई फिल्म लाइन में, कौन है क्या है, सब यंग जनरेशन, और ये हम लोग पुराने आज तक चलते आ रहे हैं. तो ऑल द बेस्ट दिलीप जी को, उनके बेटे को, भगवान बहुत आशीर्वाद दे, मैं भी आशीर्वाद दूंगा, ऊपर वाले भी देंगे. हमारे शुभकामना उनके साथ है. कल शादी में भी आएंगे, डांस करेंगे बाकायदा बराती के साथ, सब साथ में. Thank you.
बेहतर है। आज खुशी का माहौल है, संगीत सेरेमनी है भक्ति और भरत की, तो मैं दिलीप गुलाटी परिवार को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि ये परिवार यूं ही हंसता रहे, खेलता रहे, खिलखिलाता रहे। वेल, मेरी फिल्म आ रही है जया प्रदा जी के साथ, फिल्म का नाम है बधाई हो बेटी हुई है। इस फिल्म में मेरे साथ जया प्रदा जी हैं, अमर सिंह हैं। इस फिल्म में मेरा डबल रोल है और इसके अलावा मेरी 5-6 वेब सीरीज आ रही हैं। एक वेब सीरीज का नाम है कबाब, दूसरी वेब सीरीज का नाम है पड़ोसन धमाल, तीसरी वेब सीरीज आ रही है द जजमेंट डे, और भी बहुत सारी वेब सीरीज आ रही हैं। और अभी मेरा सीरियल चल रहा है लाल इश्क एंड टीवी पर। आवाज आ रही है इतनी सब आ जाएगा, बहुत पकड़ लेना। बहुत अच्छा है, भरत और भक्ति की शादी का रिसेप्शन ही है, गुलाटी परिवार है। मैं समझता हूँ कि बहुत भला परिवार है, इन्होंने हमेशा कलाकारों के साथ में काम किया, नए कलाकारों का ज़्यादा काम किया है। दिलीप गुलाटी जी ने मुझे लगता है कि शुभकामना पूरा इंडस्ट्री दे रहा है, पूरे परिवार वाले दे रहे हैं और खूब मज़ेदार रहे हैं ये परिवार गुलाटी, और इन पर बुरी नज़र डालने वाले को दूंगा मैं 2 लाठी। फिल्म आ रही है सुपर जासूस, राजपाल यादव और मैं दोनों हैं, बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे सुनील पाल की चौपाल आया है, वो बिग बॉस फिल्म भी आई है हमारी, वो भी यूट्यूब पर है, तो है बस सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। गुलाटी जी के लिए माय गॉड, गुलाटी साहब को मैं 1975 से जाना, जब इनका ऑफिस हुआ करता था, मतलब फिल्म इंडस्ट्री का सबसे पुराना ऑफिस, एयर कंडीशन मार्केट तारदेव में, और उनके ऑफिस में इनके फादर हुआ करते थे, इनके फादर भी प्रोड्यूसर थे, और एक ऐसा पोस्टर लगा हुआ था, फिल्म का नाम था कबाड़ी, कबाड़ी यादव, अच्छा, धर्म जी के साथ। वो फिल्म बनी कि नहीं बनी आपको मालूम है? याद है, हाँ, कबाड़ी का पोस्टर था पूरा, हम इनके पास स्ट्रगल करने जाया करते थे। बहुत स्वीट आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, तो जब हम ऑफिस में जाते थे तो वो टाइम पे तो प्रोड्यूसर के ऑफिस में घुसना मुश्किल होता था, बट ये बंदा था जो बाकायदा बुलाता था, इनके फादर का बड़ा नाम था गुलाटी का, एयर कंडीशन मार्केट में ऑफिस हुआ करता था, बुला करके पानी इस तरह करते, तो उस जमाने में कोई बात ही नहीं करता था, चल चलो अलग हो जाओ, घुसने नहीं देता था, बॉय जो है ना उनके ऑफिस बॉय अंदर नहीं आने देते,
बाद आना, 3 महीने बाद आना, ये होगा, बट दिस मैन वेरी नाइस, मुझे खुशी होती है जब भी बुलाता है, याद भी मैं आता हूँ। पर डे? अच्छा पर डे, मुझे लगा पर डे ही आता सर। ये पार्टी 100% ये आदमी का क्या होता है, एक शादी में 4 बार बुलाता है, 4 बार, पहले मुहूर्त होता है, उसके बाद मेहंदी में बुलाता है, आज संगीत है, कल रिसेप्शन, एक शादी में 4 बार आपको आना ही पड़ता जरूरी, उसके बाद आप रोज भी आओ तो चलेगा। पार्टी कमाल है, पार्टी देने में, खाना खिलाने में मास्टर आदमी, सबको इकट्ठा करता है, जोड़ता ही आदमी। बाकी ये बताएंगे आप, इन्होंने जो कुछ भी बोला सेम टू मी, मिले थे और मैं पहली बार दुनिया में आया था 75 में दो चीज़ें रिलीज हुई थी, सुनील पाल और शोले। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इंडस्ट्री के पास दिलीप कुमार है और हमें इस बात का खुमार है कि दिलीप गुलाटी भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिलीप गुलाटी बहुत पुराने चावल है इस इंडस्ट्री के, बहुत पुराने चावल, इतने पुराने चावल है जिनका फ्राइडेज बन सकता है। और ये जो है ना, आपके ये जो नए नए कलाकार आते हैं उनके लिए तो कमाल है, मतलब उनको लेके फिल्म बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी दिलीप जैसे प्यार करता हूँ मैं। अभी एक सब्जेक्ट पे जो फिल्म बनाने वाले हैं जिसकी शूटिंग शायद लखनऊ में करेंगे आते हैं, बहुत बड़ी, हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक ऐसी फिल्म बनाए जो इनका नाम, जो इतना इन्होंने इंडस्ट्री को दिया है, ये मतलब इनका अच्छा नाम हो जाए कि चलो एक फिल्म मेकर है, क्यों ना, क्योंकि इन्होंने बहुत ट्राई किया है, कोशिश की है, छोटे बजट की फिल्में तो बहुत बनाई हैं, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम है, कोशिश करते हैं कम बजट में अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम सभी लोग इनके कलाकार हैं, लेट्स सी क्या होता है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और आप लोग इसको जितना मतलब स्प्रेड करें, जितना भी वो बनाए तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा काम करती है किसी को भी आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। टैलेंट के सुपरस्टार इस प्रोग्राम में हम सब अलग अलग कलाओं को अपने तरीके से जज करने वाले हैं, तो हाँ, तो इसमें टैलेंट के सुपरस्टार इस रियलिटी शो में खासियत ये है कि ये सारे कलाओं का, ललित कलाओं का संगम है, इसमें आप कोई भी कला अपने मंच पर रख सकते हैं और उसकी प्रस्तुति से जब आपको जज किया जाएगा तो आप उस कला के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुँच सकते हैं। डांस हो, एक्टिंग हो, कॉमेडी हो, या किसी भी तरह का कोई भी फन हो, गाना हो, आप इसे रख सकते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि हर तरह के कलाकारों के लिए ये मंच है जिसका नाम है टैलेंट के सुपरस्टार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कब करोगे? कब से बना के रखी है? अरे दिल्ली को एक काम कर लेना, दिल्ली को गर्मी नहीं कराई है अभी तक, सुनना क्या कहना चाहेंगे लड़ी जी के बेटी का, लड़ी जी के बेटी का। यार मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैम एंड ऑल दी बेस्ट ऑल्सो, क्योंकि एक शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और भगवान करे कि दोनों खुश रहें और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताएं और ऐसे ही हसीन लम्हे जिस तरीके से जी रहे हैं ऐसे जीते रहें। आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, हम आशीर्वाद ही दे सकते रेगुलरली वॉचिंग एंड इट्स गुड गोइंग ऑन, बहुत अच्छे से जा रहा है सीजन एंड TRP भी काफ़ी अच्छे से आई जा रही है और सिद्धार्थ, असीम, शहनाज बहुत पसंद आ रहे हैं मुझे, तो मैं देख रहा हूँ और बहुत मज़ा भी आ रहा है इनके साथ।
एक्चुअली मेरे को अभी कोई फेवरेट मिला नहीं, बट मैं भाऊ, शहनाज, असीम और सिद्धार्थ को बहुत लाइक करता हूँ. बट टाइम टू टाइम, क्योंकि सर अभी तो दूसरा महीना है, टाइम टू टाइम जैसे चेंज होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई डेफिनेटली फेवरेट बनेगा और मेरा फेवरेट जीतेगा भी. इसके पहले के सीजन की अगर बात करें तो शुरू से ही लेके टीआरपी हाई रहता था. हाँ, तो 13 एक ऐसा सीजन रहा क्योंकि उसमें कपल लेकर आए. हाँ, तो उसमें शुरुआत की जो टीआरपी अरे ये तो बल्कि अच्छा है ना कि लोगों को बातें करने को मिले, जितनी बातें होंगी टीआरपी उतनी बढ़ेगी. आप शायद आपका जो है कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग है इस मामले में. इट वाज वेरी नाइस एंड सबका अपना अपना कंसेप्ट होता है, क्योंकि बिग बॉस जब भी आता है एक नए कंसेप्ट के साथ आता है, एक नए सीजन के साथ आते हैं, एक नई सोच के साथ आता है, तो इसी वजह से एवरीथिंग इज फाइन. ऐसी कोई बात थी भी नहीं. अपनी अपनी जो है यार, कपल्स है, कोई बैचलर्स किसी शादीशुदा को जबरदस्ती किसी के ऊपर तो नहीं ठोका था ना. सबके सब सिंगल थे, सबके सब अनमैरिड है, सबके सब बैचलर्स हैं, जो जिसके साथ रहना चाहता है. और उसके बाद एक हफ्ते के बाद उन्होंने कर भी दिया था कि अगर आप रहना चाहते हो तो रहिए, नहीं रहना चाहते नहीं रहिए. देयर इज नथिंग लाइक दैट. विनर कैन बी असीम, कैन बी विनर, सिद्धार्थ कैन बी विनर, शहनाज इज ऑल्सो गोइंग, रश्मि इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, पारस छाबड़ा मेरे को बहुत सही लगता है जिस तरीके से वो दिमाग चलाता है. सो विनर तो इससे जनता पे डिपेंड करता है. आखिरी 3 हफ्तों में गेम पलट जाती है, 2 हफ्तों में गेम पलटता है, तो मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट दे नहीं सकता है कोई विनर है, पर बहुत अच्छे से खेल रहे हैं ये 4-5 कंटेस्टेंट जो मैंने बोला कि अच्छा दिमाग चला रहे हैं. वेरी नाइस, गुड गोइंग. अपने दिलीप गुलाटी जी मेरे डायरेक्टर हैं, बड़े भाई हैं और हम एक फैमिली की तरह से हैं. सबसे पहले कैमरा फेसिंग दिलीप जी ने मुझे कराया और बड़ी खुशी की बात है, आज उनके लड़के की शादी है और उसमें संगीत की पार्टी रखी है, तो मैं और मेरे साथ में दिशा खान है जो कि भोजपुरी की और बहुत सारी फिल्में की हैं. हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत उनको बधाई, पूरी फैमिली को, दिलीप जी को, भक्ति को, भरत को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से. और दिलीप जी इसी तरह से आगे बड़ी बड़ी फिल्में बनाएं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में जो ब्रेक दिए हैं, बड़े आर्टिस्ट बने, और बहुत बहुत हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं मेरे तरफ से भारत और भक्ति को ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी नई जिंदगी के लिए. शादी मुबारक हो आपको और आप लोग हमेशा खुश रहो और आगे जाके दोनों ऑलरेडी सेटल्ड हैं, बस एक दूसरे की अच्छी बाउंडिंग है और हमारी भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंगली वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें. दोनों दुबई में रहते हैं और हम उनकी अच्छी लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए हम कामनाएं करते हैं एक बड़े होने के नाते से, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों के लिए. थैंक यू. थैंक यू सो मच.